सिग्नल खुलने वाला है। चलिए ऑटो वाले भैया, चलो भाई निकल गए। एंड ये वाला सिग्नल अपडेट नहीं है, ये वाला सिग्नल उन लोगों के लिए जो उन लोगों को वहाँ से राइट टर्न लेना है। देखो जैसे ही इस टाइप की कुछ घाटी आती है ना, तो इसका जो बैटरी इंडिकेशन है ना, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। अभी नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब चढ़ाई आ जाती है, जब गाड़ी में लोड पड़ता है ना, तो उसका बैटरी लेवल इंडिकेशन जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। हालाँकि ये बैटरी परसेंटेज नहीं बताता, ये वोल्टेज बताता है कि अभी कितना वोल्ट गाड़ी कंज्यूम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें बताता है वो। बट इसकी जगह अगर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लेके वो लोग परसेंटेज इंडिकेटर लगा देते ना, तो ज़्यादा बेटर रहता। ये वोल्टेज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जैसे लोड पड़ता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, एंड जैसे ही लोड नहीं पड़ता है तो वोल्टेज अपने आप मतलब नॉर्मल पोजिशन पर आ जाता है। गाइस सामने से ना एक BMW आती हुई दिख रही है, ब्लू कलर में, क्या लग रही है गाइस देखो, MP04 भाई क्या लग रही थी यार वो BMW ब्लू कलर। फोन कर देना, नंबर याद है? हाँ फोन कर देना, ठीक है ठीक है, जाओ चलो। तो गाइस फाइनली टाइम पहुंच चुके हैं अपन, और निशु को ड्रॉप कर दिया स्कूल, तो अभी चलते हैं यहाँ से घर फटाफट से, सही टाइम पे पहुंचे, ज़्यादा लेट नहीं हुए। और यहाँ से कौन VIP जा रहा है भाई, चलो भाई अब हम जाएंगे। अरे यार फिर से 0007 नंबर दिख गया मेरे को भाई, ओ दूसरी बार दिख रहा है VIP नंबर 0007। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज है 17 जनवरी और अभी फिलहाल मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मुझे जाना है लोक सेवा केंद्र, क्योंकि वहां पे जाके मुझे अपना आधार अपडेट करवाना है, तो आधार में थोड़े बहुत चेंजेस करवाना थे, तो पहले वो करवाएंगे अपन। तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं निकाल लेता हूँ गाइस, और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब निकाल के रख लेता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी समग्र ID अपडेट करवा ली, तो अभी चलते हैं गाइस सबसे पहले आधार को अपडेट करवाने। सो गाइस उससे पहले शेर को खाना दे देते हैं, देखो उसका टाइम हो गया, कैसे बैठा हुआ वहाँ पे चुपचाप आराम से, तो उसके घर पे वो बैठा हुआ अभी, तो सबसे पहले उसको खाना दे देते हैं और फिर चलते हैं। चलो शेर को खाना दे दो, आ जा, देखो एक ही बार में आ गया खाने के नाम पे। सो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पे शेरू को खाना दे दिया, और यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल के रख लिए, तो चलो ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके चलते हैं। और गाइस मुझे ना कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आने हैं, तो उसके लिए मैंने अपना ID कार्ड भी यहाँ रख लिया है, तो चलो अभी चलते हैं फिलहाल फटाफट से। अगर मैं लेट हो गया तो वहाँ भीड़ हो जाएगी और फिर काम हो नहीं पाएगा, तो जल्दी से चलते हैं। सो गाइस आधार केंद्र से मुझे ये फॉर्म मिला है, तो वो कह रहे हैं कि ना पहले मुझे मूल निवासी बनवाना पड़ेगा, तो पहले मूल निवासी बनेगा फिर उसके बाद मेरा आधार अपडेट होगा, तो पहले ये फॉर्म में लेकर आ गया हूँ, तो इसको भर लेंगे, अभी चलते हैं गाइस कॉलेज में। सो गाइस फिलहाल मैं पहुँच चुका कोलार नहर पे, तो ये वाले चौराहे से मैं लूँगा लेफ्ट में, तो वहाँ से पहुँच जाऊँगा अपने कॉलेज के लिए। और उधर साइड में देखो गाइस चेकिंग वगैरह चल रही, तो हेलमेट वगैरह तो मैं डाल के आया हूँ, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे से लेफ्ट लेते गाइस और चलते कॉलेज की ओर। सो ऑलराइट गाइस अपने कॉलेज पहुँच चुका हूँ, तो चलो आपको गेट दिखाता हूँ यहाँ से। सो गाइस एक गेट हो रहा है जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं ना, एक गेट खुले, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्किंग होती है, और एक गेट सामने से, तो अभी अपन चलेंगे उधर साइड पे और फटाफट से काम करते हैं, फटाफट डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछ के आते हैं। तो गाइस यहाँ पे खड़ी खड़ी करी मैंने अपनी कॉलेज के बाहर ही, वही हेलमेट वगैरह डालते हैं। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना था, क्या काम है? डॉक्यूमेंट लेना थे, सामने ठीक है ठीक है। देख सकते हो ये रहा कॉलेज, तो उधर साइड में हम लोग गाड़ी पार्क करते थे, अभी फिलहाल तो मैं यहाँ से आया हूँ, तो चलो काम तो हो गया, अभी चलते हैं यहाँ से। सो गाइस पीछे साइड आप जो ये देख पा रहे हो ना, ये है कलियासोत डैम, तो इसी वाली रोड से मेरा कॉलेज पड़ता है, तो ये कलियासोत डैम है गाइस जो मेरे कॉलेज के बहुत ही पास है, और इसके आगे जाएंगे तो एक केरवा डैम और पड़ता है, तो पुराने ब्लॉग में आपने देखा होगा ये वाला डैम। अभी अपन यहाँ चलते हैं MP Online के शॉप पर, तो वहाँ पर प्रिंट आउट वगैरह लेना है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यार फिलहाल मुझे घर पे आना पड़ा क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट लेना भूल गया था, तो अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट लेता हूँ फिर जाता हूँ MP Online पे, वहाँ से फोटोकॉपी वगैरह करवा के लाता हूँ। और गाइस मैंने यहाँ पे फोटोज भी ले लिए क्योंकि मेरे पास फोटो भी खत्म हो चुकी है, तो एक ऐसी वाली फोटो है और एक ना ये लेटेस्ट वाली है, तो इन दोनों को मैं डुप्लीकेट बनवा लूंगा। डुप्लीकेट बनवाने के साथ में ना गाइस इसमें टाइम भी डाल दूंगा, तो ये फोटो मैंने करीब 2016 या 2017 में खिंचवाई थी, और ये वाली जो फोटो है ये मैंने शायद 2019 में खिंचवाई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो मेमोरी के लिए गाइज मैं इसके नीचे ना ईयर डलवा लूँगा, कौन सी फोटो कौन सी ईयर में खिंचवाई थी, तो चलो इसको लेके चलते हैं। तो गाइज फिलहाल प्रिंट आउट लेकर तो मैं आ चुका हूँ, तो अभी चलते हैं यार कुछ खाते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो देखते हैं क्या है खाने में। सो गाइज फिलहाल यहाँ पर मम्मी ने इडली फ्राई करके रख दी है और मैं तो कढ़ाई उठा के ले आया, तो चलो गाइज खाना पीना तो हो चुका है, अब बैठते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो ये फॉर्म भर देते हैं फिर जमा करना है ना वहाँ लोक सेवा केंद्र में जाके। तो चलो गाइज अभी चलते हैं वापस और जमा करके आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने सब कुछ तो फॉर्म वगैरह मैंने पूरा फिलअप कर दिया है, अटैचमेंट लगा देते हैं उसमें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में समग्र ID मांगी उन्होंने। शेरू चप्पल खराब हो जाएगी ना, चप्पल से मत खेलो,
पूरी चप्पल खराब कर रहा है मम्मी की, एक तो करी थी अब दूसरी भी करेगा। उसके टॉय ला के रखे पर उससे नहीं खेलना है उसको। तो चलो गाइस फाइनली आ चुका लोक सेवा केंद्र पे और चलो वहाँ जाके फॉर्म जमा कर देते हैं। सो गाइस ये रसीद मिल चुकी है मुझको, तो गाइस अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिया और रसीद मिली है। तो 40 रुपये उन्होंने पेमेंट ली है, उन्होंने कहा कि कल आके डॉक्यूमेंट ले जाना, तो चलो कल आ जाएंगे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। सो फाइनली गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे फिलहाल मैंने शेजू को भी खाना दे दिया, तो वो भी अपना खाना खा रहा है। और अभी 4 बजने वाले हैं गाइस, तो निशु भी आता ही होगा स्कूल से, तो पापा के साथ आएगा निशु। तो क्या तो यहाँ पे ना कोटा लेके आए, तो ये फर्शी जो है ना हम लोग को वहाँ पे रखनी है। तो गाइस यहाँ पे रखना है वो वाली फर्शी जो पापा लेकर आए हैं। ये वाली फर्शी आप देख रहे हो ना क्रैक हो गई थी, तो हमने जुगाड़ करके अभी तो इसको फिलहाल कैसे भी काम चला रहे हैं, तो पापा लेकर आ गए, तो अभी इसको हटाते सबको और वो वाली फर्शी को रखते। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाली आएगी नहीं, इसको कटिंग करवाना पड़ेगी। तो चलो गाइस इस वाले ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, काफी छोटा सा ब्लॉग बनाया गाइस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं किसी एक और ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।